तो काव्य लक्षण की परिभाषा को तीन दृष्टिकोण से देखेंगे सर। एक तो संस्कृत आचार्य, दूसरे हमारे हिंदी आचार्य रीतिकाल के विशेष रूप से, और फिर आधुनिक काल के जो जिन्होंने काव्य शास्त्र पर विचार किया, शुक्ल जी, नगेंद्र जी वगैरह, और एक पाश्चात्य विचारक। तो चार दृष्टिकोण से हो गया इस पर काव्य लक्षण पर विचार। तो सबसे पहले भरत मुनि ने क्या काव्य लक्षण दिया है वो उस पर चर्चा कर लें। कोई बोलते रहे आप भी, कुछ भी जो भी है, फिर उससे रिदम जब भी शुरू होगा सर। क्या रहेगा इनका, मतलब पूरा याद करना है कि केवल इसका कुछ थोड़ा बहुत से काम चल जाएगा। सर ये मुख्य मुख्य जो आचार्य हुए हैं उनका सिर्फ मेरे हिसाब से याद कर लेना चाहिए, बाकी सबका तो नहीं आज जैसे भरत मुनि का है वो सबका। थोड़ा बड़ा है, मृदु ललितम पदाढ्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, बहुत बड़ा है वो। तो तो उन्होंने सर सात वो आप तो संस्कृत की उत्ति पूरी याद कर रहे हो, हमने तो वैसे ही याद कर रखे हैं। भाई क्या माना है उन्होंने हिंदी में ही थोड़ा बहुत जो भी है, आपने तो सारी उक्तियां याद कर रखी हैं, आपका स्तर तो अलग है। ये कुछ है कि वहां पे काव्य पूछा जाए तो अनुत्तरित नहीं रहना है, हिंदी में बता दो, लेकिन बता दो कुछ तो उस हिसाब से हमने अच्छा। थोड़ा बहुत पढ़ा है सर। हाँ तो काव्य लक्षण में जैसे एक प्रश्न है कि छंदोमय छंद से किसने जोड़ा है काव्य लक्षण को, पहले छंदोमय विशिष्ट विधा का है काव्य लक्षण के बारे में। ग्रुप में तीन चार लोग ही हैं अपन। हाँ अभी जुड़े हुए तो तीन चार ही सर। छंदोमयी विशिष्ट विधा के रूप में देखा है काव्य लक्षण। पहले एक ही परिभाषा है ये छंदोमयी विशिष्ट विधा को लेकर, और वो डॉक्टर नगेंद्र की है। उन्होंने कहा था कि रसात्मक शब्दार्थ ही वाक काव्य है और छंदोमयी विशिष्ट विधा ही कविता है, इस तरह से उन्होंने कहा था। जी, भामे की याद है सर, भामे की तो बिल्कुल सरल है, शब्दार्थ तो सहितम शब्दार्थ काव्यम, तो सही तो काव्य जी सर। और अलंकार पर जोर देते हैं। मूल में कौन से अलंकार को मानते हैं अतिशयोक्ति? भामे अलंकारों के मूल में अतिशयोक्ति को मानते हैं। शरीरम ये तो सर चर्चा कोई और कर लेते हैं अपन, कोई बात नहीं। अगर मान लो ये ज्यादा रुचि करनी है, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा मैटर, इस पे तो जब भी मजा आएगा जब सब बोलेंगे। सर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, जब उनको अपने पूछो, मामा आप की अपने पूछो। जब अपने मामा की भाषा बोलते हैं शब्दार्थ तो सहितो काव्यम, तो एक बार इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि ये सहितो क्या है, मतलब यहाँ बामे ने सहितो का क्या अर्थ लिया है? सहितों का अर्थ सहभाव से लिया है उन्होंने, शब्द और अर्थ का सहभाव, आपस का समन्वय। नहीं, इसमें अपने देश हित या समाज के हित में भी ले सकते हैं, समाज ऐसा कल्याण तो के लिए जो रचनाएं लिखी जा रही है वो भी आएगी क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं पढ़ा मैंने, तो यही पढ़ा है शब्द और अर्थ सहित हो, शब्द और अर्थ का जो सहित सहभाव है वही काव्य है। ये तो लक्षण परिभाषा दे रहा है, ये देश समाज की कहां से बात करेंगे, वो तो बिल्कुल काव्य शास्त्री है पूर्णतया। मेरे हिसाब से नहीं है ये। एक बार मैंने किसी सर से पढ़ा था तो उन्होंने इसका तो पूरा भाव बताया है कि सहितो जो है उपदेशात्मक या आप जो अच्छे समाज कल्याण के लिए लिख लो वो रचनाएं भी आएगी इसमें। नहीं, वो साहित्य के संबंध में पढ़ा होगा, तो आप हितेन सहित साहित्यम, जिसमें हित का भाव हो वही साहित्य है। वो साहित्य शब्द में ही है, वो हित का भाव छुपा हुआ।
हो सकता है उस संदर्भ में पढ़ा हो आपने, और अगर ज्यादा पूछना चाहे तो फिर बता सकते हैं इसमें क्या है। अर्थ का मतलब व्यापक है, जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वहां अर्थ की परिभाषा बहुत बड़ी है, तो अर्थ में बता सकते हैं सहभाव में कि भी इसमें देश कल्याण का भाव, समाज का भाव, सब कुछ भाव, अर्थ का भाव वही है, शब्द के साथ जो अर्थ छिपा है उस अर्थ में क्या है। अर्थ का मतलब कल्याण से, जी। तो मूल तक तो यही पूछेंगे, और वो ज्यादा आप जब काव्य शास्त्र अपना मूल वो बताओगे प्रिय विषय, तब इस चीज पर ज्यादा गहन चर्चा हो सकती है। बाकी तो चला लेंगे काम, शब्दार्थ सहितम काव्यम कहा आपने और कहा कि शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है, ये भामे की परिभाषा है, तो बस ठीक है भाई। मैंने जो पढ़ाया जो बता दिया, मैंने तो यही पढ़ाया शब्द और अर्थ का जो सहभाव है वही काव्य है। अच्छा एक प्रश्न बनता है इसमें, काव्य प्रयोजन को लेकर के बात हो रही है, तीनों मिक्स चलेंगे कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति से जो काव्य प्रयोजन को किस किस ने जोड़ा है। कुछ विद्वान है, एक अच्छा प्रश्न है ये, जिसमें चतुर्वर्ग प्राप्ति से जोड़ा है अपने प्रयोजन में, उन्होंने चतुर्वर्ग को शामिल किया है। जैसे ब्रह्मा ने शब्द अर्थ काम मोक्ष धर्मार्थ काम मोक्ष को बोला उन्होंने, भाम हो गए एक, कुंतक और विश्वनाथ भी हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो आप कैसे, आपको याद है क्या दिक्कत है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति से जोड़ा है कुंतक ने, सुकुमार क्रमोदित ऐसे कह के उन्होंने जोड़ा है, और विश्वनाथ ने भी चतुर्वर्ग प्राप्ति से जोड़ा है, और एक और नाम है सर इसमें अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त ने भी चतुर्वर्ग फल प्राप्ति से काव्य का प्रयोजन संबंधित किया है। तो चारों जो बड़े बड़े आचार्य हैं, भामे, विश्वनाथ, कुंतक और अभिनव गुप्त, ये चारों चतुर्वर्ग प्राप्ति से जोड़ते हैं। एक दोहा है सर, जस संपत्ति आनंद अति दुरितन डारे खोई होत कविते चतुराई, कुछ इस तरह से बाम अंग बस हुई, ये किसका है सर? एक काव्य प्रयोजन से संबंधित है ये, कुलपति मिश्र का ऐसा भी है। एक प्रश्न और हो सकता है इसमें काव्य प्रयोजन और को लेकर के, मैंने कुछ प्रश्न लिखे हैं, हेमचंद्र, हाँ सॉरी हेतु से संबंधित है ये, कि हेमचंद्र ने प्रतिभा के दो भेद किए, नहीं रुद्रट ने किए दो भेद, तो सहजा और उत्पाद्य, और हेमचंद्र ने भी प्रतिभा के दो भेद किए हैं, एक तो सहजा है साथ में, एक दूसरा उन्होंने औषधि की जोड़ा है, औषधि की, औषधि की नहीं है सर, उपाधि की है, उपाधि की है, जहां तक मैंने पता है, उपाधि की, हाँ उपाधि की, औपाधि की, और जहां तक मैं समझ पाया हूँ इसको उत्पाद्या से ही है ये, जैसे उन्होंने रुद्रट ने माना ना सहजा उत्पादा, ऐसे इन्होंने सहजा और उपाधि की माना है, शायद ये उत्पादा का ही रूप हो सकता है उपाधि की। हाँ वो ये लिखने में गलत रह गया, उपाधि की ठीक है क्योंकि श्रम से संबंधित शब्द यही है, ठीक है सर। एक ये परिभाषा थी व्युत्पत्ति के अभाव का दोष प्रतिभा द्वारा ढका जाता है, परंतु प्रतिभा के अभाव को व्युत्पत्ति द्वारा नहीं, अच्छी परिभाषा है, व्युत्पत्ति के अभाव को, व्युत्पत्ति के अभाव के दोष, व्युत्पत्ति के अभाव के दोष प्रतिभा द्वारा ढका जाता है, परंतु प्रतिभा के अभाव को व्युत्पत्ति द्वारा नहीं। जगन्नाथ की हो सकती है सर, क्योंकि वो प्रतिभावादी आचार्य हैं, बाकी
दंडी ने तो उल्टा माना है, वो तो ये बोलते हैं कि प्रतिभा के अभाव में भी काव्य सर्जन संभव है व्युत्पत्तिर अभ्यास के माध्यम से, या वो कहते हैं कि व्युत्पत्तिर अभ्यास से प्रतिभा के अभाव को भी पूरा किया जा सकता है, ये तो दंडी के विचार हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ पा रहा हूँ जगन्नाथ की हो सकती है, मैं पूर्ण तरह उनके ये तो नहीं हूँ कन्फर्म, वो क्या बताएं सर? आनंद वर्धन की है सर ये, इसमें वो तीन आचार्य हैं सर, उसमें इसमें एक थोड़ा सा प्रश्न हो सकता है, जो दंडी की बात आ रही ना, आप कह रहे हो कि बिना प्रतिभा के भी रचना हो सकती है व्युत्पत्ति और अभ्यास से, लेकिन इसमें पूरी विचारधारा क्या है दंडी की, थोड़ा सा एक बार स्पष्ट करें आप, फिर इसको अपन देखते हैं। मैं तीन तरह के आचार्य हैं, प्रथम वर्ग में तो वो आचार्य हैं जो केवल प्रतिभा को ही मुख्य मानते हैं, बाकी उसका संस्कार स्वीकार करते हैं, इसमें आप जानते होंगे राजशेखर और जगन्नाथ मुख्य हैं जो संस्कारक मानते हैं, और द्वितीय वर्ग में वह जो तीनों को ही मानते हैं, मम्मट वगैरह हैं जो तीनों को ही बराबर से, वो तीनों से रचना हो सकती है, प्रतिभा को मूल मानते हैं हालांकि वो भी, लेकिन वो तीनों को महत्व देते हैं। और तीसरे वर्ग में दंडी, केवल दंडी आते हैं जो प्रतिभा के अभाव में भी काव्य रचना संभव मानते हैं, लेकिन मध्यम कोटि की नाम उन्होंने बोला है, मध्यम श्रेणी की रचना ही लिखी जा सकती है, बाकी तो प्रतिभा तो आवश्यक है, वहां भी उन्होंने कहा कि प्रतिभा से अच्छी रचना तो प्रतिभा से ही है, पर उसके अभाव में भी रचना की जा सकती है मध्यम श्रेणी की, मैंने तो ये पढ़ा है सर। बिल्कुल सही है सर, वो ये बोलते हैं कि व्युत्पत्ति और अभ्यास के माध्यम से प्रतिभा के अभाव को पूरा किया जा सकता है, प्रतिभा तो जरूरी है, प्रतिभावादी है मतलब प्रतिभा को स्वीकार करते हैं वो काव्य हेतु के रूप में, लेकिन वो ये बोलते हैं कि अगर प्रतिभा नहीं भी है तो भी व्युत्पत्ति और अभ्यास के द्वारा उसके अभाव को पूरा किया जा सकता है, मतलब कि एक रचना लिखी जा सकती है बिना प्रतिभा के भी। बिल्कुल यही है बात, ठीक है सर। व्युत्पत्ति को शास्त्र ज्ञान के नाम से इन्होंने अभी किया है। अच्छा, ये साधारणीकरण की अवधारणा, वो सहृदय की अवधारणा किसने दी सर शुरू में सबसे पहले? ये प्रश्न मेरे से वहां पूछा था पर मुझे याद नहीं रहा कि ये किसने प्रस्तुत किए सर सहृदय की अवधारणा? भटनायक होगा ना सर? हेलो, किसी को जानकारी है? भटनायक नहीं है क्या? भटनायक नहीं है सर, भटनायक तो मैंने दिया था जवाब। सहृदय की अवधारणा किसने प्रस्तुत की बताएं सर कौन? मेरे को याद सर, ये सहृदय शब्द का प्रथम प्रयोग तो आनंद वर्धन ने किया था, अभिनव गुप्त ने नहीं किया क्या? क्या समझे हम कि रमणीयता का, रमणीय जो शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने जगन्नाथ जी ने, किस संदर्भ में किया है, क्या व्याख्या करिए रमणीय की उन्होंने? रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्दम शब्द काव्यम, परिभाषा के अनुसार तो यही बनता है कि सर रमणीय अर्थ का जो शब्द प्रतिपादन करते हैं वही काव्य है, मतलब शब्दों के संयोग से अगर रमणीय अर्थ की प्राप्ति होती है तो वही काव्य है ऐसा बोलते हैं। और गुड़ अर्थ क्या है इसमें आप बताओ? क्या अर्जुन जी, अधिकतर मैंने देखा है इन लोगों का जैसे इंटरव्यू दे, आपने भी दिया इंटरव्यू पहले? नहीं सर, पहला ही अनुभव होगा। नहीं, अनुभव तो आपका अच्छा रहेगा क्योंकि प्रस्तुतिकरण अच्छा है आप बिल्कुल ही, मुझे क्या है वहाँ ये अनुभव हो गया कि जो बोल जिस प्रकार से जवाब देते हैं ना उससे पता लग जाता है कि यार इनका ठीक रहेगा सिस्टम, पूरी घबराओ मत आप, तो शानदार चलेगा आपका, क्योंकि भाषा भी ठीक है आपकी, बोलना भी ठीक है, संतुलित है।
रमणीय का अर्थ वहां लोकोत्तर आनंद वगैरह से लिया है उन्होंने, कि जहां पर चमत्कार भी है, सौंदर्य भी है, आह्लाद भी है, वो रमणीय है जो मन को सुंदर लगे, जिसका अर्थ रमणीय है, रमण करने वाला है, रमणीय से वहीं से जो रमा दे व्यक्ति को, तो रमाने वाला साहित्य वो ही जो लोकोत्तर आनंद है, जिसमें रुचिकर है, सौंदर्य है, उस रूप में इसमें रस भी आ गया देखा जाए तो, रस युक्त तो हो गया ये रमणीय। बिल्कुल बिल्कुल सर, रस नहीं होगा तो आनंद नहीं सकता। हाँ, तो जगन्नाथ जी का रमणीय लिखने का तात्पर्य यही था कि इसमें लोकोत्तर आह्लाद है। ये लोकोत्तर आह्लाद जो शब्द है ना सर, ये आनंद वर्धन और कुंतक का है, दोनों ने काव्य लक्षण के संबंध में लोकोत्तर आह्लाद का प्रयोग किया है। अच्छा, ये संस्कार विशेष को लेकर भी काफी दो तीन आचार्य हैं ये, जिसमें ये संस्कार के रूप में मानते हैं व्युत्पत्ति और अभ्यास को। कवित्त बीजम कवित्त रूपम संस्कार विशेष है, कुछ इस तरह से वो मम्मट कहते हैं। तो शक्ति कवित्त बीज रूपम, हाँ शक्ति कवित्त बीज रूपम और संस्कार विशेष है, कुछ इस तरह से बोला है उन्होंने। मम्मट ने शक्ति कहा है ना प्रतिभा को, जी जी सर, और रुद्रट ने भी शक्ति कहा है। हाँ, रुद्रट ने भी शक्ति कहा है सर। ठीक है, तो क्या है, इतनी सी जानकारी भी होगी तो काम हो जाएगा इसमें। तो क्या है, काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, ये चर्चा कर रहे हैं, इसका थोड़ी अपनी जवान पे चढ़ जाएंगे इस सब बातें। सर, हाँ, एक चीज है याद आता है, काव्य प्रेरणा, इसको आप किसके ज्यादा नजदीक देखते हैं, काव्य हेतु के या काव्य प्रयोजन के, काव्य प्रेरणा को? अच्छा प्रश्न है आपका। काव्य प्रेरणा हेतु के नजदीक है, प्रेरणा देने वाले तत्व जो है वो हेतु। प्रयोजन की क्या परिभाषा होगी सर? प्रयोजन का अर्थ तो उद्देश्य से है, काव्य रचना का उद्देश्य क्या है, उसके लक्ष्य क्या है, काव्य किस किसके लिए, क्या बोलेंगे, प्रयोजन उद्देश्य लक्ष्य। सर, ये सही है क्या कि काव्य सृजक का वह उद्देश्य जिससे प्रेरित होकर वह काव्य सृजन करता है, काव्य प्रयोजन कहलाता है, आप सहमत हैं इस बात से? प्रेरणा अलग बात हुई ना सर, ये वैसे दोनों में पूरक संबंध है, इनमें प्रयोजन में और हेतु में, ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, कहीं कहीं जुड़ जाते हैं दोनों ही। भाई हेतु है वही जाकर प्रयोजन है, प्रयोजन का संबंध हेतु से है, लेकिन प्रेरणा का आपने क्या प्रयोजन से पढ़ा है क्या इसमें? हाँ सर, इसी तरह से पढ़ा है कि काव्य सृजक का वह उद्देश्य जिससे प्रेरित होकर वह काव्य सृजन करता है, वही काव्य प्रयोजन है। तो यहाँ पे प्रेरणा, प्रेरित होकर मतलब प्रेरणा आ गई यहाँ पे, तो प्रयोजन के भी नजदीक आ गया ये। और जहाँ तक वैसे अगर देखें हम प्रेरणा को, तो काव्य हेतु के मुझे ज्यादा नजदीक दिखाई देता है जैसा आपने बताया, लेकिन परिभाषा जो काव्य प्रयोजन की है। जी सर, दोबारा बोलना ये परिभाषा। काव्य सृजक का वह उद्देश्य जिससे प्रेरित होकर वह काव्य सृजन करता है, वही काव्य प्रयोजन। प्रेरित होकर उद्देश्य आ गया ना सर उसमें। हाँ, जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर, जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर वह काव्य सृजन करता है, तो मतलब प्रेरणा उद्देश्य के कहीं नजदीक आ गई इस परिभाषा के हिसाब से। और वैसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि हेतु के ज्यादा नजदीक होनी चाहिए, कि कारण है हेतु का मतलब, और प्रेरणा भी एक कारण ही होती है, उन कारणों के द्वारा ही काव्य सृजन करता है सृजक जो है। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा प्रश्न भी आया था ना अपने, एक
इस साल सर काव्य प्रयोजन और काव्य प्रेरणा दोनों अलग है। काव्य प्रेरणा का जो संबंध है वो पूर्व से है और काव्य प्रयोजन का संबंध है वो काव्य के रचना के बाद का है, क्योंकि प्रयोजन उद्देश्य मतलब काव्य का सृजन कर देते हैं ना तब आपको काव्य प्रयोजन मिलेगा, और काव्य के प्रेरित जो तत्व हैं वो हेतु में आएंगे, इसलिए काव्य प्रेरणा का संबंध वो ज्यादा आपके काव्य हेतु के नजदीक जाएगा। कन्फर्म है क्या कि उद्देश्य है जो काव्य रचना के बाद का विषय है? जी सर, रचनाकार के मन में, एक रचनाकार के मन में पहले से उद्देश्य नहीं होता कि मैं किस उद्देश्य को लेकर रचना कर रहा हूं। मन में उद्देश्य होता है लेकिन परिणति जो परिणाम आएगा वो काव्य सृजन के बाद ही आएगा, उसका मन में क्या घटित हो रहा है वो अलग बात है। प्रयोजन कब मिलेगा? जब वो काव्य का सृजन कर देगा तभी तो उसको उद्देश्य की प्राप्ति होगी। मैडम आप काव्य प्रयोजन की एक बार परिभाषा अपने शब्दों में बताएं। सीधा सीधा तो है काव्य रचना करने का उद्देश्य, मत बताओ घुमा के बताओ थोड़ा सा, प्रस्तुतिकरण किस तरह से देंगे? काव्य प्रयोजन कवि और पाठक दोनों के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाने वाला जो सृजन है वही हो जाएगा, उसमें पाठक को भी ध्यान में रखा जाता है इसमें। पहले से ध्यान में रखा जाता है ना? हाँ, लेकिन सर इसमें मैंने यही पढ़ा है कि काव्य प्रेरणा और काव्य प्रयोजन है वो दोनों अलग होते हैं। काव्य प्रयोजन है वो काव्य सृजन करने के बाद की बात आती है, जबकि काव्य प्रेरणा है वो काव्य सृजन करने के प्रेरित जो तत्व हैं उसमें शामिल होती है, और काव्य के प्रेरित जो तत्व हैं वो काव्य हेतु में आते हैं। मैं तो यही आता है, मैंने तो अपने यही समझा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी पढ़ने में तो यही आया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें शंका ये होती है कि क्या सच में उद्देश्य काव्य लिखने के बाद की स्थिति है? क्या उद्देश्य पहले कहीं ना कहीं कलाकार के मन में नहीं होता है क्या कि मैं किस उद्देश्य को लेकर रचना लिख रहा हूँ? सर वो उद्देश्य उसके मन में होते हैं, लेकिन वो जो प्राप्ति होगा ना भाई, उसकी प्राप्ति है, उसका लाभ है, वो तो बाद में ही होगा ना काव्य सृजन का। उद्देश्य अगर पहले से उसके मन मस्तिष्क में नहीं हुआ तो क्या उसको दिशा दे पाएगा? अपने जो भी अपनी रचना कर रहा है उसको दिशा दे पाएगा, उचित दिशा, जिस दिशा में जाना चाहता है, क्या लगता है? अब देखो उसने जायसी ने बोला ना, ओ मन जान कवितस कीना मकु ये रहे जगत में चीना, तो उसका प्रयोजन पहले ही मन में है ना, कीरते भनति भूति बलि सोई सुरसरी सम सब कह हित होई, वहां पर भी उद्देश्य पहले ही है। कि हम सामान्यतः बुक पुस्तकों में यही पढ़ते आए हैं कि काव्य हेतु है, काव्य प्रेरणा है, वो काव्य सृजन से पहले की स्थिति है, और काव्य प्रयोजन जो है काव्य लेखन के बाद की स्थिति है। तो ये बाद की स्थिति वाला जो तथ्य है ये 100% सही है क्या? मुझे इसमें शंका होती है, हालांकि पढ़ने में तो वही आता है जो मैडम बता रही है, लेकिन आप विद्वान साथी जुड़े हैं तो मैं इस विषय में थोड़ा जानना चाह रहा था कि आपके क्या विचार हैं। भाई सबसे पहले तो ये पता लगे कि कहाँ पढ़े हैं ये भाई, कोई एक तो विशेष कोई टेक्स्ट बुक में पढ़ा, कोई विद्वान की में या वैसे ही पासबुक में पढ़ा है, उसका फर्क पड़ता है ना सर। और जैसे पहले और बाद का कोई संबंध नहीं है इसमें, बाद की स्थिति क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जो काव्य प्रयोजन हो तो जिस प्रयोजन को लेकर या जिस उद्देश्य को लेकर कवि काव्य रचना में प्रवृत्त होता है वो काव्य प्रयोजन है। जो जिन लक्ष्यों को लेकर सर इसको ऐसा भी तो कह सकते हैं हम कि भाई काव्य रचना के फल स्वरूप कवि को जिस फल की प्राप्ति होती है वही काव्य प्रयोजन होता है। नहीं कहना चाहिए सर ऐसा तो मेरे हिसाब से। क्यों सर ऐसा कह सकते हैं? प्रयोजन तो यही होता है, फल प्राप्ति ही तो प्रयोजन होता है। ऐसा तो पढ़ने में नहीं है सर स्पष्ट रूप से। तो भाई मम्मट ने जो बताए वो क्या है? वो फल ही तो है। यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, अनिष्ट का नाश, अलौकिक आनंद की प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश, ये है क्या? फल ही तो है। देखो इसकी ज्यादा परिभाषा नहीं मिली, सिर्फ यही मिलता है अधिकतर। देखो प्रयोजन भी प्रत्यक्ष और अपरोक्ष, आप जो बात कर रहे हो ना परोक्ष है, वो सामने नहीं है, वो कई उद्देश्य सामने नहीं होते, उनकी फल प्राप्ति अपने आप होती है।
उन्हें उसने बिहारी ने अगर जैसे दोहा लिखा नहीं सर, मैं पहले बाद वाला नहीं कह रहा, हो सक देखो प्रयोजन उसके मन में तो जरूर होंगे पहले ही, वो तभी तो रचना करेगा। प्रयोजन तो मन में ही रहते हैं, वो उसी प्रयोजन के निमित्त तो रचना करता है बस। प्रयोजन जैसे बिहारी का प्रयोजन था धन प्राप्ति और यश प्राप्ति, जैसे केशवदास और वगैरह का था, तो इनका इन्होंने पहले से ही मन में था इसलिए वो ऐसी रचनाएं करते थे। और तुलसीदास जी का प्रयोजन अलग था, धन प्राप्ति भी बाद में हुआ होगा, पहली बार उन्होंने जब दोहा लिखा तो उनको असर भी मिली, या जो भी दरबार में उन्होंने साहित्य रचा तो उनको ये थोड़ी पता था कि वो तो पहले मन से लिखे हैं। श्रृंगार चित्रण करना, आह्लादित करना, मनोरंजन करना, ये उनका उद्देश्य था, और अपने आप को यश प्राप्त करना कि मैं एक अच्छा से अच्छा लिखूं, अच्छे दोहे लिखूं, गागर में सागर भरना उनके जो, क्योंकि यही बात है, क्योंकि हरेक का उद्देश्य है और प्रयोजन जो है ना अलग अलग था। ऋषि कवियों का अलग था, तुलसीदास जी का अलग था, बस इसको उनके पहले से ही मन में था कि भाई हमने अपनी राजाओं की प्रशंसा में ही लिखना है। नहीं कोई विशेष बिंदु नहीं है इस पर, कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं बहस की, वो तो हो गया कार्यक्रम इसका तो पूरा। बाकी यही है कि काव्य प्रयोजन प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही होते हैं, और उद्देश्य जो है ना जिसको सोच करके काव्य प्रणयन किया जाता है वही काव्य प्रयोजन है, छोटी सी परिभाषा है इसकी। हाँ बस इतना ही है और क्या है, दो मन में उद्देश्य है कभी के। वो जो सर अभी सर बता रहे थे ना अर्जुन जी, वो वाली भी परिभाषा सही है कि प्रेरित करने वाले तत्व वो होते हैं प्रयोजन। बस 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 बिल्कुल सही है। अब केवल जैसे वामन है, वामन ने दो प्रयोजन बताए, इसके अतिरिक्त थोड़ी बताया किसी ने, वामन ने काव्य के दो प्रयोजन माने उन्होंने, काव्य प्रीति और कीर्ति, प्रीति कीर्ति हेतु प्राप्त। दृष्ट प्रयोजन तो उन्होंने माना है प्रीति को, माना उन्होंने सॉरी दृष्ट प्रयोजन तो प्रीति है ना, आनंद साधना उसको दृष्ट माना है उन्होंने, और जो कीर्ति होती है उसको अदृष्ट है, क्योंकि कीर्ति है वो अपने आप ही फैलेगी। बस यही छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है वहाँ, आनंद और कीर्ति दोनों मान लिया, तो इसमें दृष्ट कौन सा है अदृष्ट कौन सा है, तो दृष्ट हो गया प्रीति, अदृष्ट हो गया कीर्ति, कीर्ति क्योंकि वो स्वतः फैलती है, बस वो तो फैलती है नहीं, आनंद देख नहीं सकते भाई, आनंद दिखाई दे जाता है और कीर्ति दिखती नहीं है ना। बस इसमें भी एक और है जो प्रीति, दोनों में दृष्टिकोण भी अलग है उनके, जो पहला है आनंद वो प्रथम सहृदय की दृष्टि से है, और जो कीर्ति है वो प्रणेता की दृष्टि से रखा गया है। ये आनंद तो सहृदय को मिलेगा ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल, और जो कीर्ति है वो रचनाकार है उसको। हाँ तो ये और है इसके अंदर एक नई बात, ये तो है ही है, प्रथम सहृदय की दृष्टि से है और द्वितीय जो है उनका उद्देश्य प्रणेता की दृष्टि से रखा गया है, जो रचनाकार है उसकी दृष्टि से कीर्ति है। अभिनव गुप्त ने तो एक ही माना है ना शायद सर, प्रीति को ही। अभिनव गुप्त ने केवल प्रीति को माना, हाँ सर आनंद साधना या प्रीति उसी को माना है, एक ही काव्य प्रयोजन। विष्णु सर अपने एग्जाम में एक प्रश्न आया था, मैंने ग्रुप में शेयर किया है, आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए, एक बार देखें इसको। हाँ बताइए, ग्रुप में शेयर किया अभी, पीछे जाऊं ग्रुप में, पीछे जाना भी नहीं आता अभी। क्या है प्रश्न सर? दिखा के सर ग्रुप में आपको, नहीं ग्रुप में है पर ये ग्रुप में बैक जाने का 12 नंबर जो है, कुछ नहीं एक बार बैक करो सर, सिर्फ आपकी चैट ऊपर चली जाएगी और ग्रुप दिख जाएगा। हाँ बैक ठीक है, नीचे आपने प्रश्न डाला है जो इसमें है, ये आचार्य और काव्य प्रयोजन सुमेलित सुमेलन नहीं है, रस की निष्पत्ति और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति आनंद वर्धन, लोक व्यवहार का ज्ञान लोकोत्तर आनंद लाभ कुंतक, और कीर्ति और प्रीति विश्वनाथ। हाँ ये प्रश्न अच्छा आया था अपने,
क्या किया था सर इसमें आपने? मेरा तो याद नहीं सर, लेकिन आरपीएससी ने चौथा माना है, जबकि मेरे हिसाब से दूसरा भी इसमें सुमेलित नहीं है। दूसरा वाला देखो, आनंद वर्धन का सुमेलित हो रहा है क्या? आरपीएससी ने चौथा माना है। वो आनंद वर्धन में नहीं है। मैंने आपको भी चार पांच आचार्य गिनाए थे ना, तो भामय, कुंतक, विश्वनाथ और अभिनव गुप्त, यही है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति में। तो जी जी, तो मतलब दूसरा और चौथा दोनों ही ऐसे मिलित हैं। हाँ, लोकोत्तर आनंद वो बताया था, कुंतक है लोकोत्तर आनंद में तो, और धनार्जन सहृदय की प्रियता दंडी, ये तो यार ये मेरे पढ़ने में नहीं आया, पर होगा कहीं कहीं पर। बाकी ये दो तो सुमेलन नहीं है। हाँ तो ये तो नहीं है आनंद वर्धन वाला, तो बाकी दंडी भी है, भी नहीं है सर। चौथा आरपीएससी ने माना है कीर्ति विप्रीति विश्वनाथ। विश्वनाथ का है चतुर्वर्ग सुख और काव्यानंद, जो मैंने पढ़ा है, और आरपीएससी ने भी इसी को माना है सुमेलित। तो डिलीट होना चाहिए नहीं तो? हाँ बिल्कुल, मुझे भी वही लग। चलो सर आगे पढ़ाइए। बाकी अच्छा पेपर था वो, पर डिलीट। देखो अभी इसमें से ही घुमा दिया उन्होंने। काव्य प्रयोजन पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब एकदम चार चीजें सामने दिखाई दी और दो दो के जोड़े में, तो कहीं ना कहीं वो संपूर्ण ज्ञान आ गया इसमें काव्य प्रयोजन का। जिसको काव्य प्रयोजन का संपूर्ण ज्ञान है वही इस प्रश्न को कर पाया है। अच्छे प्रश्न थे। अच्छा, कवि कर्म में अभ्यास से कवि कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है, अभ्यास के बारे में एक ही परिभाषा है ये मेरे पढ़ने में जो आई है। अभ्यासो ही कर्मसु कौशलम भावहिति। वामन की है सर ये। हाँ एक और प्रश्न रखना चाहूँ सर आपके समक्ष, सबके सामने। तीन प्रकार के जो उपदेश होते ना, प्रभु सम्मित उपदेश। हेलो जी सर, सुन रहे हैं, बोल सकते हैं? कहीं लीव तो नहीं हो गया? प्रभु सम्मित उपदेश और सुहृदय सम्मित उपदेश, जिसको मित्र सम्मित उपदेश भी कहते हैं, और कांता सम्मित उपदेश। इन तीनों में आप करें सर अर्जुन जी, अगर याद है आप। इसमें जो अंतर है चंदन सर, आप बताएं थोड़ा। मुझे थोड़ा ये याद आ रहा है सर कि जो कांता सम्मित उपदेश हैं वो पत्नी के समान मधुर उपदेश होते हैं, जिनकी की अवहेलना नहीं की जा सकती, और मित्र सम्मित उपदेश जो होते हैं उनकी अवहेलना की जा सकती है। वैसे तो वो मतलब हितकारी होते हैं, लेकिन उनकी अवहेलना की जा सकती है। और एक प्रभु सम्मित उपदेश है, वो तो उपदेश से ज्यादा आदेश ही है। तो इस तरह की कुछ बातें याद आ रही हैं सर। हाँ ये उसमें अपने वो जो अशोक जी तिवारी की किताब में तो यही था, जो प्रतियोगिता साहित्य सीरीज थी ना, उसमें भी यही पढ़ता आ रहा था। उसमें शुरू से मैं यही पढ़ता आ रहा था, लेकिन गुरुजी ने एक वो क्लास थी उनकी रेनेसा की, उसमें देखा तो उसमें ये बताया उन्होंने कि जो प्रभु सम्मित उपदेश है उसमें शब्द प्रमुख है, उसके शब्दों में हेरफेर नहीं होता, और वो आदेश जो आप बता रहे हो ना वो आदेश ही होता है एक तरीके से, उसमें गुंजाइश नहीं है हेरफेर की प्रभु सम्मित उपदेश में। और जो मित्र सम्मित उपदेश है उसमें शब्द अर्थ की प्रधानता है, शब्द की नहीं उसमें अर्थ की प्रधानता है, लेकिन व्याख्या उसकी व्याख्या की जा सकती है, उसमें व्याख्या की अपेक्षा रहती है। और जो कांता सम्मित उपदेश है उसमें न शब्द की प्रधानता है न अर्थ की प्रधानता है, उसमें रस की प्रधानता है। और जैसे स्त्री अपने सौंदर्य और लावण्य से
बरबसी मोह लेती है, आकर्षित कर लेती है और उसके उपदेश मानने ही पड़ते हैं या उसकी बात इतनी मधुर होती है कि उसको स्वीकार करना ही पड़ता है। उसी प्रकार से काव्य में जो रस की स्थिति है, रसयुक्त काव्य भी व्यक्ति को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो कांता सम्मित होना चाहिए उपदेश, ये है इसका, ये बताया उन्होंने सर ने। नहीं बिल्कुल सर, मैं भी सहमत हूँ इस बात से। और इसमें जो भी महाकाव्य खंडकाव्य है, एक अर्जुन जी उस दिन आप कल जुड़ रहे थे किस ग्रुप से, आप जुड़े हुए थे ना कल आप? हाँ जुड़ा था सर, थोड़ी देर जुड़े थे। कल तो 8-10 लोग थे, वहां 4 रह गए। अभी तो बढ़ गए ना सर, अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोग हैं। 8 लोग है ना, तो फिर 8 में से बोल कम रहे, इसका मतलब कहीं आवाज नहीं आ रही। चंदन जी, आराम जी। अच्छा और कौन है, बोलो कुछ। बहुत है सर, परी मैडम है, आराम जी है, अवंतिका मैडम, अंजू, रजनी शर्मा, चंदन जी। चंदन जी आप फरमाएं थोड़ा सा कुछ। मैं तो, हमारी तो हो गई जो पूरी कहानी है। विष्णु जी, अभी आपने ये प्रश्न किया था ना सहृदय की अवधारणा वाला, उसको थोड़ा सा क्लियर करें सर, किसने दिया था? वही तो प्रश्न रखा था हमने कि सहृदय की अवधारणा हिंदी साहित्य को किसने दिए, हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य रूप के काव्य में किसने दिए, ये प्रश्न था। मुझे कहीं लिखा हुआ भी है पर मिला नहीं अभी, वो है पर इसका उत्तर। तो तथ्यात्मक जानकारी पर होना जरूरी है, जैसे कि कुछ भी हो सर। कहीं पढ़ा तो था शायद आनंद वर्धन ने प्रथम बार सहृदय की अवधारणा या कुछ सहृदय का प्रयोग करके कुछ कहा था, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। सहृदय शब्द का प्रयोग किया था लेकिन इसकी अवधारणा उन्होंने दी, या इसके बारे में थोड़ा सा वो बताएं आप। अवधारणा तो भट्ट नायक ने दी है, सहृदय का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो आनंद वर्धन है। हाँ जी हाँ जी, सहृदय शब्द का प्रयोग आनंद वर्धन ने किया था, ये पढ़ा तो था, कहाँ पढ़ा ये याद नहीं आ रहा। नहीं बिल्कुल सही है सर, आनंद वर्धन ही है इसमें, मुझे याद आ गया आपने जैसे आनंद वर्धन का नाम लिया ना। हाँ विश्वास पूर्वक, क्योंकि ये बुक का नाम याद नहीं आ रहा, पढ़ा था पहले कहीं। अच्छा तो उस टाइम से ये कंठस्थ है कि सहृदय प्रयोग उसने किया था सर्वप्रथम। तो चंदन जी काव्य प्रयोजन में और क्या प्रश्न हो सकते हैं आपके दृष्टिकोण से? काव्य प्रयोजन में तो इतना डीपली तो क्या पूछे वो, डीपली कुछ भी नहीं है। जैसे जिस भी पॉइंट पे अपन चर्चा करें उसकी क्या है, जैसे सुबह 2-3 घंटे देख लें सभी और कोई दिक्कत नहीं, सामने रख लो भले भाई। कोई चीज ऐसा है जहाँ चर्चा होने के बाद वो मन और मानस में तो जब भी उतरेगी जब चर्चा हो जाएगी, बाकी सामने रख लो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न रख लो सामने आप, उसमें से पूछ लो, तो क्या है कोई चर्चा निरंतर और लगातार चलती रहेगी। भट्टोत के अनुसार प्रतिभा की एक परिभाषा है प्रज्ञा नव नवोन्मेषालिनी प्रतिभा मता, इसको थोड़ा स्पष्ट करें सर, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? नव नव उन्मेष करने वाली जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा से नव नव उन्मेष करने वाली जो शक्ति वो प्रतिभा है। प्रज्ञा मानी बुद्धि या मति, तो नवीन विचार, नवीन कल्पना, नवीन भाव, नवीन शैली, इन सबको बार बार नूतन रूप में उन्मेष करने वाली, सृजन करने वाली जो शक्ति और प्रतिभा है, ये भक्त पुत्र का है। यहाँ पे सर शालिनी का क्या मतलब है? नहीं है सर, शालिनी
जी क्या आपने प्रश्न, और इसके पूरी का परिभाषा का अर्थ तो यही है शालिनी का मतलब उद्भव करने वाली प्रज्ञा। उद्भव तो सर उन्मेष का मतलब नहीं है क्या उद्भव, या बढ़ाना करने वाली, करने वाली उन्मेष हो गया ना उद्भव, तो प्रज्ञा नव नव उन्मेष शालिनी करने वाली। अर्जुन जी मैंने इसकी मतलब जो इसका अर्थ लिख रखा है वो ऐसे लिख रखा है कि प्रतिभा वह बुद्धि है जो नए नए रसानुकूल विचार उत्पन्न करती है। प्रतिभा मैडम मैंने लिख रखा है नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा प्रतिभा है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से देखें तो शालिनी का मतलब युक्त भी हो सकता है। युक्त ही हो गया सर, शालिनी का तो युक्त हो गया, जैसे शक्तिशाली होता है ना, शक्ति से युक्त प्रतिभाशाली, प्रतिभा से युक्त, वैसे ही है कि शालिनी प्रज्ञा के लिए शालिनी बोला है। युक्त है ये तो ठीक है, उन्मेष किन चीजों का, नवीन कल्पना का उन्मेष, नवीन भाषा का, नवीन शैली का, नए नए विचारों का जो उन्मेष या सृजन करती है वो शक्ति प्रतिभा है और प्रज्ञा में बुद्धि। ठीक है सर आगे चलें। एक एक लहे तप पुंजन के फल ज्यों तुलसी अर सूर गुसाई, एक लहे भव संपत्ति केशव भूषण ज्यों बरवीर बढ़ाई, एकन की जस ही सो प्रयोजन रस खान रहीम की नाई। मैंने लिख रखा है सर ये किसकी पंक्तियां हैं सर काव्य प्रयोजन के संबंध में, भिखारी दास की है। और इस आधार पे क्या हुआ भिखारी दास का प्रयोजन, क्या प्रयोजन है सर इसका, ये मैं ये इसीलिए बोला है मैंने इन पंक्तियों को यहाँ पर फल की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति, चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति मूल रूप से, धन यश और आनंद। इन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए है ना सर, सी का सूर का और फिर संपत्ति के लिए मतलब केशव भूषण। अच्छा संपत्ति हो गया ये, हाँ एक आ गए सो प्रयोजन, वेकन ही को जस्ती सो प्रयोजन रही मेरे सिखान, रस खान की नाई कुछ ऐसा ही है क्या लाएंगे। हाँ कि भाई उनका तो बस यश और सेवा ही था आनंद प्राप्ति और, तो ये उन्होंने अलग अलग दिया लेकिन इनका मैं पढ़ा था यही था कि तपुंजन का मतलब चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति है, फिर उन्होंने अलग अलग लाइनों में उसका उदाहरण सहित प्रस्तुत किया उन्होंने। अच्छा भाई यश भी आ गया इसमें, यश का प्रयोजन रसखान और रहीम बता दिया इन्होंने, संपत्ति के लिए उन्होंने केशव और भूषण बता दिए, तपुंज के लिए इन्होंने तुलसी और सूर को बता दिया इन्होंने, और लास्ट में इन्होंने कहा था दास कवितानी की चर्चा बुद्धिवंतन को सुखदे सब ठाई, वो शायद सबके लिए आनंद प्राप्ति जो मानते हैं ना। भिखारी दास का सुख ही है इसके हिसाब से, बाकी जो प्रयोजन बताए बाकी आचार्यों के बताए इन्होंने इसके माध्यम से, और भिखारी दास का जो अंत की जो पंक्ति है उसमें सुख ही निकल के आता है कि भिखारी दास के अनुसार सुख है, तुलसीदास के अनुसार इन्होंने जो लिखा है
भूषण के अनुसार जो लिखा है वो सबका प्रयोजन बताते हुए अंत में अपना प्रयोजन बताया कि सुख प्राप्ति ही काव्य का जो है प्रयोजन होना चाहिए, मेरे हिसाब से जो मैं इसको समझाऊं। ये भी है, लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं सर, नहीं सर ये भी तो कह सकते हैं कि चौथी लाइन है वो सबके लिए लिख रहे हैं और वो आनंद प्राप्ति भी हो सकती है जो चौथा हम मानते हैं। फिर से बोलना अंतिम वाली पंक्ति। नहीं सर ये सही कह रहे हैं, एक लहे एक तो उन्होंने बता दिया कि साहब सूर और गोस्वामी की तरह उद्देश्य चारों ही है उसके, लास्ट वाली लाइन में नहीं कहा उन्होंने, वो तो चारों के लिए कह रहे हैं वो। हाँ चारों के लिए कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही समझ में आया भाई, बस ये पूरा अच्छी तरह मुझे याद नहीं है आपकी तरह। एक लहे तप पुंजन को फल, इसमें तो तप पुंज की बात हो गई, एक में संपत्ति की बात हो गई, वो कैसे वैसे में लिए से। एक यश की बात हो गई रस्तान और रहीम की तरह, और फिर लास्ट में शायद वो बुद्धिमंतन के लिए कुछ कहे कि सबको सुख देने वाली है बुद्धिजीवी या फिर जो भी कवि वगैरह है, आनंद साधना वही है वो। हाँ तो रीति काल में भिखारी का सबसे अच्छा, शुक्ल की परिभाषा क्या है वो शुक्ल जी ने भी बताया काव्य का प्रयोजन कुछ, वो तो शुक्ल जी ने एकदम सिंपल सा नहीं बताया क्या कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करना होता है, अनुभूति को माना है, अनुभूति को माना है शुक्ल ने, मार्मिक पक्षों को ला करके हृदय से साथ समन्वय स्थापित करना, इस तरह से आगे और भी। हाँ ऐसा ही है, मैं बता रहा हूँ ये पूरी लाइन लास्ट में याद नहीं थी लेकिन शुरुआत से मुझे याद है कि जगत के मार्मिक जो पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य का हृदय का सामंजस्य करना, ऐसा है क्या सर? हाँ बिल्कुल सर, बात यह है कि हमने क्या जो उस टाइम पढ़ा था ना तो शॉर्ट में याद कर लेता कि अच्छा ये होगा तो ऑप्शन में टिक कर देंगे। और नंद दुलारे वाजपेयी जी और एक हैं अपने क्या नाम से डॉक्टर नगेंद्र, इन दोनों में केवल छोटा सा अंतर है बस, डॉक्टर नगेंद्र तो मानते हैं आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन और नंद दुलारे वाजपेयी जी मानते हैं आत्मानुभूति को। नंद दुलारे वाजपेयी ने आत्मा अभिव्यक्ति को नहीं मानना है क्या सर? नहीं नंद दुलारे वाजपेयी नहीं मानना है सर आत्मा अभिव्यक्ति को, मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है। नहीं नहीं आत्मानुभूति पढ़ा है सर, और डॉक्टर नगेंद्र का आनंद और लोकमंगल पढ़ा है। नहीं वो तो अलग से बहुत पढ़ लिया होगा ना, आनंद और लोकमंगल भी कह दिया होगा उन्होंने, लेकिन मुख्य रूप से आत्माभिव्यक्ति को उन्होंने काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है डॉक्टर नगेंद्र ने, आत्माभिव्यक्ति को। और नंदुलारे देखना पड़ेगा फिर, मुझे यही याद था कि आत्माभिव्यक्ति को माना है। नहीं देख लेना कोई दिक्कत नहीं, वो तो कई जगह उनके जहां से उठा करके लिखे हैं, अलग अलग बुक्स में पढ़ते हैं अपन, किसी के नोट्स में पढ़ते हैं तो कहां से क्या अलग अलग जगह, जैसे वो ये याद भी अब आ रहा है सर जब हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो याद भी नहीं था। वो तो चर्चा करने पे सब याद आता धीरे धीरे। वैसे सर साक्षात्कार में मुझे लगता है ऐसे द्वंद्व वाले प्रश्न पूछे भी नहीं जाएंगे, जो स्पष्ट रूप से जिनके बारे में है ना सिर्फ वही मोटे मोटे, जैसा भी इसमें हमको द्वंद है कि आनंद या लोक मंगल है, इसके साथ में आत्मानुभूति भी है या जो आप बता रहे दूसरा क्या बता रहे, तो इस तरह के द्वंद वाले प्रश्न वो भी मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे, जो स्पष्ट रूप से जिनके बारे में लिखा गया है उन्हीं को पूछते हैं वो भी शायद। नहीं इसमें द्वंद कहाँ है सर, अलग अलग तो पंक्तियां मिलती है, मैंने तो नागेंद्र का आनंद और लोक मंगल पढ़ रखा है सर, तो वो उस जगह हो सकता है किसी और में कहीं और कुछ भी लिखा हो, मंगल में आनंद पढ़ा आपने डॉक्टर नगेंद्र का, तो निश्चित रूप से जो पूछ रहा है ना आपसे उसको पता है लोक मंगल आनंद भी है आत्मा विव्यक्ति की बात भी है, क्योंकि वो जब साधारणीकरण की बात करता है तो अनुभूति के साथ आत्मा विव्यक्ति की बात करते हैं, और जब वो परिभाषा देते हैं तब भी आत्मा विव्यक्ति की बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र, तो दोनों की जानकारी है उनको, जैसे आप वो बताओगे आपने पढ़ाया तो वो उसको नकारेंगे नहीं, उसको स्वीकार करेंगे, कोई सा बता दो आप भले। अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया ज्ञान राशि का संचित कोष का नाम साहित्य है, और एक जगह अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम किसने बोला था, वो तो पंथ का है, दो तीन परिभाषाएं उनकी, कोई सी भी आपने बोल दी तो उनको जानकारी है उसकी, क्या दिक्कत है। द्विवेदी का ये सर जो आप बता रहे हो ना,
अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही है वो। महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही है ना? जी सर। और ये एक मानवतावाद से संबंधित किसका था सर? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। हजारे प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर एक ये बताएं कि काव्य प्रयोजन की सबसे पहले बात या हम कहें चर्चा कहाँ पे मिलती है या किस ग्रंथ में मिलती है या किसने की है? सबसे पहले तो भरतमुनि है काव्य प्रयोजन में। तो क्या क्या काव्य प्रयोजन माने उन्होंने? उन्होंने कहा है वो दुखार्ता नाम, श्रमार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्रांति जनने काले नाट्य में तद भविष्यति, धर्मम यशस्यम आयुष्यम उत्तम बुद्धि विवर्धनम, कुछ इस तरह से उन्होंने पूरी पंक्तियां याद दी मुझे। इतम बुद्धि विवर्धनम ये कहा उन्होंने, दुख शोक मिटाने के लिए, धर्मम यशस्यम धर्म की यश की प्राप्ति करने के लिए, हित बढ़ाने के लिए, लोकोपदेश जननम लोक का उपदेश प्रदान करने के लिए नाट्य की रचना की जाती है। तो भरत मुनि से पहले तो कोई चर्चा करने वाला है ही नहीं। जब भरत मुनि का नाम आ गया तो सबसे पहले भरत मुनि है काव्य प्रयोजन में। तीसरी भरत मुनि कौन सी शताब्दी के हैं सर? ये तीसरी पहली शताब्दी से दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है ना इनका? अच्छा पहली या दूसरी शताब्दी है इनकी? हाँ मैं छोटी पूर्व है ईसा पूर्व। हाँ ईसा पूर्व ही है सर। भामा ईसा पूर्व नहीं है, भरत मुनि ईसा पूर्व है। अच्छा भरत मुनि ईसा पूर्व है। अच्छा भामा ईसा पूर्व होने का मतलब तो ये हो गया ना फिर, वो उससे भी पहले हो गए फिर। भामा तो छठी शताब्दी है, शताब्दी में है, और भरत मुनि सर दूसरी शताब्दी में। हाँ वो कह रहा हूँ ना ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व है सर। नहीं सर दूसरी शताब्दी ईसवी पूर्व है वो, ईसा पूर्व है सर। अच्छा देखेंगे आप तो कभी। नहीं सर वो तो है, इनका तो कंफर्म है, भरत मुनि का कंफर्म है ना। हाँ ईसा पूर्व और भामे का भी कंफर्म है, छठी शताब्दी है, दंडी सातवीं में है। वो तो भामे दंडी दोनों, और भामे के बाद जस्ट दंडी है। दोनों अलंकारवादी आचार्य हैं भामे और दंडी। दंडी का तो लेकिन आठवीं शताब्दी है ना सर। तो भामे के बाद है ना दंडी, आठवीं शताब्दी। दंडी आठवीं शताब्दी में नहीं है सर, सातवीं में है सर। दंडी आठवीं में नहीं है, दंडी सातवीं शताब्दी में, आठवीं में तो वामन है। नहीं सर आठवीं नवीं के बीच तो वामन आ जाते हैं फिर। वो कर लेंगे फिर काव्य परंपरा देख लेंगे, लेकिन मेरा ये है कि एक बार अपन कोई भी चीज पे चर्चा करें थोड़ा सा, उससे क्या सब रनिंग में रहेंगे और सबको लाभ भी मिलेगा। तो मेरी तरह टाइम नहीं मिलता क्या सर? पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता क्या मैम? बिल्कुल सर, अभी ऑफिस से कह के ही जुड़ा हूँ मैं तो। पहले वो इसी की थी उन लोगों ने, मैं तो उस टाइम जुड़ ही नहीं पाया। नहीं आप किस ऑफिस से जुड़े हुए हैं? सर मैं यहाँ हेड ऑफिस में हूँ निदेशालय में। मैं कल आपको बता रहा था ना कि भाई मैं हूँ तो लेक्चरर, लेकिन पढ़ाया नहीं मैंने कभी। अच्छा अच्छा निदेशालय में कहाँ? बीकानेर। हाँ बीकानेर। अच्छा बीकानेर निदेशालय में लगे होंगे क्योंकि मैं अतिरिक्त निदेशक वगैरह कहीं पे उसमें। हाँ वैसे ही लगा हुआ हूँ। तो वो 9 से 6 ड्यूटी रहती होगी? हाँ वैसे वो 9 से 6 ड्यूटी, अभी क्या एग्जाम वाला वैसे वो चल ही रहा है तो काम, वो 6 बजे तक तो वैसे ही रहता ही है काम। अरे कभी तो ज्यादा ही हो जाता है। तो ऑफिस ही है फिर यार। हाँ बस ये है ना। नहीं उससे क्या पढ़ाई वाला वो छूट गया ना एक आप जो कंटिन्यू पढ़ाते हैं ना उनके कम से कम वो बोलने वाली तो हो ही जाती है। नहीं नहीं क्या पकड़ तो है आपकी, समझ तो है, और बोलिए उसको बढ़ाना है और क्या करना है। समाधि यही तो मैं कह रहा था। समाधि किसका है पर्याय?
प्रतिभा का या अभ्यास का? माना है सर, ये तो अलग से माना है, समाधि को तो अलग से माना जाता है सर। तीनों से अलग है समाधि? जी जी सर, एक प्रश्न भी आया था ना अपने इससे रिलेटेड। हाँ एक प्रश्न आया था, वो तीन से प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीन है। इसमें समाधि भी तीनों से कहीं कहीं रिलेटेड नहीं, मतलब अलग है समाधि है। बिल्कुल है, तो ये है तो ही, लेकिन इन तीनों से अलग है ये। ये जानकारी है किसने माना है? राजशेखर का पढ़ा जाता है, समाधि और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को उन्होंने एकमात्र हेतु माना है। हाँ, समाधि व्युत्पत्ति नहीं है क्या? समाधि अगर नहीं, नहीं सर, समाधि व्युत्पत्ति नहीं है, समाधि अलग से ही काव्य हेतु के रूप में पढ़ा जाता है, और इसको समाधि को एकमात्र काव्य हेतु माना है। आचार्य श्यामदेव करके कोई है सर, उन्होंने माना है। तो राजशेखर का क्या है इसमें? राजशेखर नहीं है ना? राजशेखर ने तो शक्ति है ना, जो शक्ति को एकमात्र हेतु माना है इन्होंने, लेकिन इस शक्ति के बारे में बोलते हैं समाधि और अभ्यास से उत्पन्न होती है शक्ति, और शक्ति ही प्रतिभा और उत्पत्ति को जन्म, व्युत्पत्ति को जन्म देती है, ये विचार इनके। चलो राजशेखर के मतलब इनके अनुसार शक्ति ही एकमात्र हेतु है, लेकिन शक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है? समाधि और अभ्यास के द्वारा। और जब शक्ति की उत्पत्ति हो जाती है तो शक्ति के द्वारा ही प्रतिभा और व्युत्पत्ति जन्म लेती है, ये मानते हैं। तो कहीं कहीं समाधि व्युत्पत्ति होगी ना, जब प्रतिभा इससे जन्म रही है समाधि और अभ्यास से, तो समाधि का अर्थ उन्होंने व्युत्पत्ति से हो गया ना कहीं कहीं। सर अब इस सेंटेंस को देखो, इस वाक्य को देखो कि समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को एकमात्र हेतु माना, तो दोनों मतलब समाधि और अभ्यास दोनों के द्वारा शक्ति की उत्पत्ति होती है, तो कैसे मान ले हम समाधि को व्युत्पत्ति कैसे मान ले? एक ही तो बचा, जैसे प्रतिभा तो उत्पन्न हो ही रही है, अभ्यास को मान ही रहा है वो, तो व्युत्पत्ति तो बच रहा है बीच में वो, तो समाधि व्युत्पत्ति के अर्थ में उन्होंने समाधि प्रयोग किया है। इस तरह से विचार करें तो बिल्कुल आपकी बात सही ठहरती है, लेकिन वैसे सर इसको अलग ही पढ़ा जाता है, एक चौथी काव्य हेतु के रूप में, जो कि सर्वमान्य तो नहीं है, लेकिन एक अलग से काव्य हेतु के रूप में पढ़ा जाता है इसको। हाँ ठीक, अगर आपने ऐसा पढ़ा है तो फिर तो देख लेंगे इसको भी एक बार, जो भी चीज ऐसी आती है उसको नोट करते जाएंगे। बहस करने को जानकारी तो साझा कर सकते हैं, तो खुला मंच है ना, तो सभी सुन रहे हैं सर, यहाँ पे बोलना पड़ता है तभी बोलते हैं। यार ये बड़ी समस्या है, ये बता रहा हूँ सर। नहीं सर, इसके तो अपना खुद का होता ही है, ऐसा नहीं है विद्वान नहीं है, विद्वान नहीं होते तो सेलेक्ट नहीं होते, सब विद्वान है, और इस पेपर में तो विद्वान ही सेलेक्ट हुए हैं। ये बात तो सही है, ये तो पेपर था ही इस तरह का, जैसे भी हो सर, मेरे जैसे भी हुए दो चार लोग। बिल्कुल। ये बात तो सही है, हो गया सर। की और कुछ बाकी आज का? एक ये करने हम कि जो काव्य प्रयोजन है इसमें लास्ट में कोई पूछे अगर हमसे, वो निष्कर्ष रूप में एक्सपर्ट पूछते हैं कि आप काव्य प्रयोजन जो काव्य में ये से अर्थ करते हुए छह मम्मट में बताए हैं, क्या ये फाइनल है क्या? काव्य प्रयोजन को कैसे, किस किस को आप मानोगे काव्य प्रयोजन, तो क्या बताने हैं? मम्मट का ही सबसे उपयुक्त विचार ठहरता है, इसमें सब कुछ समाहित है लगभग, यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, लोक कल्याण, आत्म शांति, कांता समेत उपदेश, तो जो बाकी आचार्यों ने जो बात की है लगभग सब इसमें समाहित हो जाते हैं, तो ये सबसे उपयुक्त काव्य प्रयोजन की श्रेणी में हो सकते हैं, ये कहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सही, ठीक है, ज्यादा खींचने से कोई मतलब नहीं, अपने विचार भी रखें सर। नहीं नहीं सही विचार रख दिया आपने इसमें, ये कि बस हिंदी आचार्यों ने अनुकरण किया है, रीतिकालीन आचार्य ने कुछ नया नहीं किया, इसी को घुमा फिरा करके मम्मट से ही है सब कुछ, एक आध कुछ लक्षण किसी ने अलग जोड़ने की कोशिश की है तो ज्यादा सफल नहीं हो पाए हैं, बाकी तो मम्मट के जो
काव्य प्रयोजन है, उसमें सब कुछ आ जाता है। सर मैंने पढ़ा भी ला, अगर अपने अंत में गए ना कि काव्य का प्रयोजन, तो भी एक शब्द जैसे कि काव्य का प्रयोजन की आत्म अभिव्यक्ति, निश्चल आत्म अभिव्यक्ति है भी, जो कवि अपने सभी का ये उद्देश्य, यश तो या अर्थ तो सभी चाहते हैं, यश तो सभी चाहते ही चाहते हैं, है ना, तो वो तो सभी चाहते ही है, यश प्रथम ही है, सभी चाहते ही है। जैसे जैसी ने भी कहा था कि मैं तो सिर्फ यश के लिए लिख रहा हूँ, तो यश तो सभी चाहते हैं, लेकिन एक अगर एक प्रयोजन माना जाए कि आत्म अभिव्यक्ति है, हर एक व्यक्ति आत्म अभिव्यक्ति तो चाहता ही है, तो कवि अपनी रचना के माध्यम से, काव्य के माध्यम से अपनी आत्म अभिव्यक्ति की तृप्ति करता है, तो अभिव्यक्ति अपने विचारों की, तो ये एक प्रयोजन अंत में लास्ट में यही माना गया। क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा था ना, तो मैडम नोट्स करवाते थे यहाँ पे, तो कि अंत में की एक प्रयोजन ये है कि एक शब्द में कहें कि आत्म अभिव्यक्ति, निश्चल आत्म अभिव्यक्ति। मैडम पहले वाले जो आपने जो भी जिनके ऊपर बात की कि यस तो है ही है, अर्थ तो है ही है, उनको कैसे नकार सकते हैं, है ही है तो उनको तो जोड़ना ही चाहिए। नहीं हाँ, मम्मट के हिसाब से जैसे वो है ही है, छह प्रयोजन जो बताए थे कि वो तो है ही है ही, कवि के दृष्टि से भी और पाठक की दृष्टि से भी है कि कविता का प्रयोजन ही यही है कि वो कांता समित उपदेश तो होने ही चाहिए, उनके बिना तो जो कवि का काव्य है वो काव्य ही नहीं कहलाएगा। अगर उसका कोई एकमात्र कैसे हुआ, नहीं इससे बाहर देखो सर, मैं ये मैडम का सही दृष्टिकोण जा रहा है, लेकिन जैसे भी स्पष्ट कर लें इसको कि यश अर्थ व्यवहार और अनिष्ट निवारण और शब्द परिनिवृत्ति का अर्थ है, शब्द परिनिवृत्ति का अर्थ तत्काल आनंद, तत्काल आनंद सब कुछ छूट जाता है, राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, परिनिवृत्त हो जाते हैं और आनंद प्राप्त होता है। संध्य परिनिवृत्ते कांता सम्मित प्रयोग देश युजे, कांता सम्मित उपदेश, अब इसमें आत्मा अभिव्यक्ति तो नहीं आ रहा सर। ये मम्मट के मैडम आप इस तरह से रख सकते हो, आप इस तरह से रख सकते हो कि जो मम्मट ने माने हैं उनके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो इसको भी शामिल किया जा सकता है, तो एक समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि छह मम्मट के और एक सातवा आत्मानुभूति जो है, आत्म अभिव्यक्ति है, इसको हम शामिल कर सकते हैं सर। इस तरह से आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एकमात्र, क्योंकि वो तो है ही है, जैसे आपने खुद भी बोला आपके शब्द हैं कि वो तो है ही है, तो मतलब उनको शामिल करते हुए आपको सातवें के रूप में बताना है। मम्मट वाले तो है ही है, वो तो सर्वमान्य ही है। असल में अर्जुन जी का उसको आप अंत में जो आप बोलते हो ना, अंत में जो आपने बोला कि एकमात्र हेतु या ऐसा करके प्रयोजन आपने बोला कि एक शब्द में जैसे अपने कहे ना, शब्द में कहोगे तो गलत हो जाएगा फिर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो लक्ष्य बड़े हैं, प्रयोजन तो है, आप एक के बजाय आप दो शब्दों में कहिए कि मम्मट के छह के अतिरिक्त एक और मैं अपनी दृष्टि से उचित मानती हूँ आत्मानुभूति या आत्म अभिव्यक्ति, तो इस तरह से आप रख सकते हो अपनी बात। लेकिन आप ये कहो एक शब्द में कहोगे तो फिर वो गलत है मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, सर्वमान्य तो मम्मट वाली है, वो तो हम स्वीकार कर रहे हैं, मम्मट वाली है सर्वमान्य, तो स्वीकार के साथ आपने नकार भी किया ना आपकी बातों में। नहीं नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि अगर हमने एक ही शब्द ऐसे कहे ना कि सबसे, जैसे कि कभी जैसे सबने अलग अलग दिए, पाश्चात्य जगत के अलग हैं, ये अरस्तु के अलग हैं, फ्रायड के अलग हैं, जुंग ने अलग माने हैं, तो कविता का प्रयोजन, कव्य करने का प्रयोजन क्या हो सकता है कि वो आत्म अभिव्यक्ति भी कवि, फिर वो आपके अनुसार हो गया आत्म अभिव्यक्ति, जैसे मम्मट के अनुसार छह थे और मतलब आनंद वर्धन और उनके अनुसार एक ही था और वामन ने दो माने थे, तो आपके अनुसार वो आपसे पूछेगा कि आप बताओ फिर, ये तो हो गया, तो फिर आप कहोगे आत्मा अभिव्यक्ति है। भाई आपने यही तो कह रहे हो, एकमात्र मैं बताऊंगी तो मैं वही बताऊंगी आत्मा अभिव्यक्ति है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अपने यहाँ पे चर्चा की है कि अपने को पता होना चाहिए कि ठीक है, अपने यहाँ पर बात अपनी रख सकते हैं, सही गलत उसके ऊपर चर्चा भी कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल मैडम आपने सही बताया, लेकिन मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने बोला ना एकमात्र, उसको उसको बदल के आप इस तरह से रखें
कि सर मम्मट के जो हैं वो सर मान्य हैं उनको तो मैं मानती हूँ, साथ में मैं इसमें आत्मानुभूति आत्मव्यक्ति इसको भी शामिल करना चाहूंगी, तो इस तरह से देखती हूँ सर मैं। इस तरह से आप अपनी बात रख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ है जो प्रस्तुतिकरण पे ही है। आपको पता है कि वो मम्मट के जो छह हैं वो बिल्कुल उचित हैं, लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे जो आपने पहले अपनी बात रखी जिस तरह से ना, उस तरह से अपनी बात रखोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत हो जाओगे। प्रति प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अच्छा आप आत्मानुभूति को मानते हो तो आप यश को नहीं मानते, आप अर्थ को नहीं मानते, फिर आप बोलोगे हाँ सर उनको भी मानती हूँ मैं, वो तो है ही है, फिर बोलोगे वो तो है ही है, तो फिर आपने उनको पहले क्यों नहीं जोड़ा, इसलिए मैं कहना चाह रहा था। ठीक है सर, ठीक है सर। विष्णु जी सर चले गए शायद, चर्चा कहीं गलत दिशा में तो नहीं चली गई थी। सर ये प्रतिभा और प्रज्ञा दोनों अलग अलग है ना, ये एक ही है? जी मैडम अलग अलग है, प्रज्ञा तो बुद्धि है और प्रतिभा टैलेंट है। तो प्रज्ञा से प्रतिभा आती है ये कह सकते हैं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। और एक सर वो और पूछना था मुझे, वो परिभाषा थी ना नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा और प्रतिभा, प्रतिभा को नवोन्मेष शालिनी कहा गया है। मैं क्या पूछना चाह रहे हो? ये नवोन्मेष शालिनी अपूर्व निर्माण क्षमा ये प्रतिभा के लिए कहा गया है, मम्मट नहीं? भट्ट तो उसका है मैडम, अपूर्व निर्माण क्षमा नहीं, वो आगे का तो नहीं पता, जो पहले वाली जो पंक्ति आपने बोली है वो तो भट्ट तो उसकी है, नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा वाली। हाँ प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता ये जो है भट्टोत की है। अच्छा अच्छा और ये जो अपूर्व वस्तु वाली आप कह रहे हैं ना मैडम, ये अभिनव गुप्त की है? अच्छा अपूर्व निर्माण क्षमा वाली अभिनव गुप्त की। ऐसा कोई आचार्य भी है क्या जो प्रतिभा उत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों के समन्वित रूप को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार करता है? सर मम्मट ही है क्या? जी मैडम बिल्कुल मम्मटी हैं, वो शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास के समन्वय को ही काव्य के हेतु मानते हैं, अलग अलग इनको नहीं मानते। और हिंदी हिंदी साहित्य में बात करें तो दिनकर का भी नाम इनसे जोड़ के देखा जाता है, दिनकर भी इसी तरह की बात करते हैं। मम्मट ने तो प्रतिभा को शक्ति के नाम से बताया है ना? बिल्कुल बताया मैडम। अर्जुन जी दिनकर जी ने क्या कहा है इसके बारे में? मैडम डिटेल में तो नहीं पढ़ा, बस इतना ही पढ़ा है कि मम्मट और दिनकर दोनों मतलब इसी तरह की बात करते हैं कि तीनों का समन्वित रूप ही है जो है काव्य हेतु है। अभी डिटेल में इनकी पंक्ति क्या है वो तो मुझे याद नहीं है, पढ़ी भी नहीं मैंने। तीन तो भूतों ने माने हैं, दंडी ने भी तीन ही माने हैं, रुद्रट ने भी तीन ही माने हैं। तीन नहीं सर, तीन मानने की बात नहीं, तीनों के समन्वित रूप को एक एक हेतु के रूप में मतलब अलग अलग नाम मान के तीनों के समन्वित रूप को या तीनों के समन्वय को ही काव्य हेतु माना है, ये करके मम्मट और दिनकर दो का नाम आता है। अलग अलग तो बहुत लोगों ने माना है, भामा से ही शुरू कर दो, भामा ही मानते हैं प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास को, दंडी भी मानते हैं प्रतिभा शास्त्र ज्ञान और अभ्यास, रुद्रट भी तीनों को ही मानते हैं, तो वैसे तो बहुत हैं, लेकिन तीनों के समन्वय को और एक काव्य हेतु के रूप में स्वीकार करते हैं मम्मट। वामन ने भी लोक विद्या और प्रकीर्ण
सिर्फ प्रकीर्ण को तो उन्होंने कुछ ज्यादा लंबा नहीं खींचा क्या? क्या है सर ये प्रकीर्ण? उनमें शायद मुझे तो थोड़ा बहुत बताया, मैं इसकी जानकारी जाता हूँ कि इसमें काव्य अनुशीलन और अभ्यास इन सब को समाहित किया जाता है। क्या क्या किया है मुझे ये नहीं पता, बस इतना ही पढ़ा हुआ है इसका। मोटा मोटा सर मेरे हिसाब से तो प्रकीर्ण है जो उन्होंने प्रतिभा के लिए प्रयोग किया है, बाकी आप लोग बताएं। मैंने ये पढ़ रखा है कि प्रकीर्ण है जो प्रतिभा के लिए। प्रतिभा के लिए है तो प्रतिभा के लिए, क्योंकि तीन है लोक विद्या और प्रकीर्ण, तो लोक तो लोक व्यवहार हो गया और विद्या शास्त्र ज्ञान होगी और प्रकीर्ण है, लेकिन उन्होंने कह रहे इसके बारे में सबसे ज्यादा विस्तार से उन्होंने लिखा, क्या लिखा ये पता नहीं, उसके आगे प्रकार भी किए बता रहे हैं उनके, काव्य अनुशीलन अभ्यास वगैरह खूब लिखा है। हो सकता है सर, मैं तो ऐसे भी मोटा मोटा ही पढ़ता हूँ, ज्यादा गहन अध्ययन में करता भी नहीं हूँ, क्योंकि ज्यादा गहन अध्ययन के चक्कर में जो मोटा मोटा मुझे याद रहता है ना वो भी निकल जाता है। नहीं वो तो भूल जाते, लेकिन कई बार ये क्या कल से यही चर्चा चल रही है ना कि वो एक शब्द को पकड़ लेते हैं, मान लो हमने जाते ही इनकी परिभाषा दे दी और प्रकीर्ण वो पकड़ के बैठ गए, फिर इतना ही बोलना है जितना मैं बता रहा हूँ ना सर। प्रकीर्ण जहाँ तक मैंने पढ़ा है प्रतिभा के रूप में उन्होंने माना है, प्रतिभा के रूप में, बाकी सर बहुत ज्यादा इसके बारे में अध्ययन गहन अध्ययन नहीं किया है सर, बस इतना ही पता है कि ये तो खैर इतना तो बोलना है ही। ता इनमें ज्यादा पचड़े में फंसोगे ना फिर फंसने वाली बातें और ज्यादा होंगी निकलने के बजाय। सही है, एक ये भी है कि काव्य हितों के स्थान पर ये वामन ने काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। किसके स्थान पर? काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है वामन ने। ये प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रतिभा के कार्यत्री भावित्री नाम से भेद किसने किए हैं, कौन से आचार्य ने किए हैं, और उनके भी आगे उपभेद किए जाते हैं, जैसे कार्यत्री का किया है सहजा हरिया उपदेशी का, तो ये किसने किए हैं? ये तो राजशेखर वाला है, ये तो शुरुआती तो सबको पता ही होता है, ये आगे डिटेल वाला फिर पढ़ना पड़ता है। हाँ तो बताओ फिर, ये जैसे कार्यत्री को तीन जगह बांटा इन्होंने, सहजा हरिया उपदेशिका या उपदेशी की, तो ये तीनों क्या है? हेलो, बोलिए बोलिए सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर, बोलिए आप। यहाँ पर एक मिनट दोबारा जोड़। विष्णु जी सर आप थोड़ा स्पष्ट करें। अर्जुन जी आप ही बताएं। ठीक है विष्णु सर, कल के टॉपिक डाल देना, चर्चा मुझे लग रहा है समाप्त हो गई, कोई बोल भी नहीं रहा है। हेलो, हेलो
हेलो